लाइफ हो गई है बहुत आसान, स्मार्ट और एफिशिएंट, लेकिन हमारे बर्तन धोने के वही पुराने तरीके अब नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आज हम एक रिव्यू लेके हैं डिश वॉशर का, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये डॉलन्स की तरफ से आता है। इसका मॉडल है DDW1480i। आई का मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो है ये डिश वॉशर आता है। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को जो है मैं रिव्यू कहूँ या तो स्पेक्स बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को मैं क्या समझूँ, लेकिन आप समझ लेंगे ये रिव्यू ही है, क्योंकि मैं इस डिश वॉशर के बारे में आपको तमाम स्पेक्स और इसके कुछ फिजिकल भी दिखा दूंगा और क्या फंक्शन है इसके अंदर, क्या प्रोग्राम है, तमाम आपको जो है जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ इसमें जो है मैं बताऊँगा। मैं फिजिकल क्यों नहीं बना सका ये वीडियो, क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज जो है इस तरीके से जो हम वीडियो बनाते हैं, और ये मेरी पहली वीडियो है ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं जो है कंप्लीट जो है किसी और की वीडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉलन्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो ये वीडियो देखें या तो उनको आए कोई मैसेज तो प्लीज़ इस पर स्ट्राइक ना कीजिएगा। आई होप आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप इस्तेमाल करूँगा, तो आई होप अगर स्ट्राइक ना आई तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगर स्ट्राइक आई तो इस वीडियो को मुझे जो है पब्लिक नहीं करूँगा, प्राइवेट या तो डिलीट मार दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं या तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पानी के यूज़, मतलब ये कितना पानी लेती है। तो ये जो डिश वॉशर है 13 गुना जो है अपना पानी सेव करेगी। अगर आप हाथ से जो है बर्तन धोएंगे तो आपका जो पानी लगेगा 126 लीटर जो है ये पानी वेस्ट करेगा। और अगर तो आप इस डिश वॉशर के ज़रिए अगर बर्तन धोते हैं तो आपका पानी सिर्फ और सिर्फ लगेगा 9.5 लीटर्स, यानी कि 9.5 लीटर अगर मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपका 9.5 लीटर जो है आपका पानी लगेगा इस डिश वॉशर के ज़रिए, यानी कि आपका जो पानी इसके ज़रिए सेव हो रहा है 13 गुना ज़्यादा, मतलब कि सेव हो रहा है आपका पानी। कि सबसे पहले आपको जो है पानी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है इसके अंदर। सेकंड इस के ज़रिए, इस डिश वॉशर के ज़रिए आपके जो बर्तन है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया कोई जरासीम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि पानी को इतना गर्म करेगा 70 सेल्सियस पे जो है ये पानी को गर्म करेगा, और 70 सेल्सियस आपको पता है कि कितना गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। तो जब जो है इतना गर्म पानी जो है इसके ऊपर बर्तनों के ऊपर डलेगा तो आपकी बैक्टीरिया आपके और जम्स जो है 99% जो है ये जम्स को मार देता है इस डिश वॉशर के ज़रिए। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी जो है आपको काफ़ी जो है 3 या 4 इसके अंदर कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, और इसके अंदर आप जो है एक वक्त के अंदर 14 बंदों का जो है एक डिश, मतलब कि सेट जो होता है 14 बंदों का डिश सेट जो है आप इसके अंदर जो है साफ कर सकते हैं एक लोड में। और सबसे ऊपर आपको जो है एक ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर आप जो है चमचे और लेंथ में जो बड़े चमचे होते हैं कुकिंग के, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक सबसे ऊपर जो आपको ट्रे मिल जाती है, इसके साथ आपको जो है एक सेपरेट ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर आप चमचियाँ वगैरह या जो कांटे वगैरह होते हैं छुरियाँ होगी वो जो है इसके अंदर बास्केट मिल जाती है जिसके अंदर आप ये चीज़ें रख सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है आप मैनेज सही मतलब कि मैनेज करके आप इसके थ्रू आप अपने जो है डिश वॉशर को मैनेज करके और हर चीज़ को जो है वॉश कर सकते। अब इनका कहना है कि मतलब कि इस डिश वॉशर को स्पेशली जो है पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया है, मतलब कि अगर तो आप बिरयानी के दाग के बात करें पाए हो गए न्यारी होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं खिला नहीं रहा मैं बस बता रहा हूँ। तो अगर इनके दाग्स की बात करें तो ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से गंदे मतलब कि बहुत ही मतलब कि डार्क दाग हों या सख्त दाग हों तो उसको भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। इसके अंदर जो पावरफुल मोटर लगाई गई है या तो जो पानी मतलब कि स्प्रे जो करता है पानी का, वो काफ़ी मतलब कि एक्वा इंटेंसिटी जो है मूड है इसके अंदर, और वो उसके ज़रिए जो है आपका पानी मतलब कि गंदे से गंदे बर्तन भी जो है आपके साफ़ हो जाएंगे इस डिश वॉशर के अंदर। और आपको बताता चलूँ,
अगर आपके मतलब इसके अंदर आप तवा रखते हैं, उसकी चिकनाहट होगी या तो पैन रखते हैं, तो इसके अंदर मतलब स्पेशली मतलब वो साफ़ हो जाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसके रिव्यूज़ भी चेक किए और लोगों ने जो इस्तेमाल किया उन्होंने ये बताया कि जो जो ये क्लेम करें तो ये जो है वो काम ज़रूर करती है। और एक और इसके अंदर आपको फंक्शन मिल जाता है, अगर तो आपके घर में जो आने वाला पानी है वो तो अगर मतलब खारा है तो उसके अंदर मतलब नमकियात काम है, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं पीएच लेवल के ज़रिए। तो आप उसका पीएच लेवल मतलब महीने में या साल में एक दफ़ा पीएच लेवल मतलब साल में एक दफ़ा जो है आप इसको जो है टेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपका जो है लेवल कम है तो आप इसके अंदर जो है साल्ट नमक भी डाल सकते हैं, जिसकी मदद से आपके जो है बर्तन जो है अच्छे तरीके से साफ़ होंगे और जो है झाग अच्छी बनाएगा। इसके साथ आपको जो है एक क्या कहते हैं कनोपी टाइप मिल जाती है, जिसके मदद से आप इसके अंदर सॉल्ट डाल सकते हैं। नीचे बॉटम में आपको जो है एक ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप जो है ये सॉल्ट डाल सकते हैं। इसकी मदद से आपका जो पानी है सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ आपको बताता चलूँ एक डिटर्जेंट मिल जाती है, मतलब दो एक पैकेट आपको फ्री मिल जाए इसके साथ मिलता है। एक राइज एड मिल जाता है जिसके अंदर जिसकी मदद से आपके जो बर्तन हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करेंगे। और एक दो एक जो है डिटर्जेंट मिल जाते हैं जिसकी मदद मतलब के एक जो है मतलब कि जो फ्री चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाएँ उसके साथ आपको जो है दो लोड मतलब कि धो सकते हैं, मतलब कि दो दफ़ा आप जो है उसके साथ जो है वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है ख़ुद परचेज़ करने पड़ेंगे। और ये जो है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को देखते हुए जो है इन्होंने ये मशीन प्रॉपरली जो है तैयार की है, काफ़ी पावरफुल और जो है काफ़ी मतलब कि पावरफुल मोटर्स लगाई गई हैं और उसके लिहाज से मतलब कि डिज़ाइन किया गया कि आपके गंदे से गंदे बर्तन को भी जो है ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। मतलब कि अगर आप गंदे हैं तो आप इसको दोबारा या मतलब कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपके गंदे बर्तन आपको थोड़ा सा उसको साफ़ करके फिर इस डिशवाशर में रखना पड़ेगा। आप इस डिशवाशर में इनको जो है डायरेक्टली रख सकते हैं और आप उसको जो है वॉश कर सकते हैं। हाँ, आपको जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है आपको हॉट एयर मतलब कि ड्राई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, आपके जो है ये बर्तनों को बिल्कुल सुखा के मतलब ड्राई करके आपको देगा। और अगर तो आपके पास ज़्यादा बर्तन नहीं है तो आप इसको जो है हाफ लोड पर भी वॉश कर सकते हैं, यानी कि इसके जो है अपर शेल्फ में और जो है लोअर शेल्फ में हाफ बर्तन या मतलब कि कम अज़ कम मतलब कि हाफ लोड अगर 14 बंदों का आप 7 बंदों का डिनर सेट भी जो है इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम्स की। इसके अंदर सबसे पहले प्रोग्राम आप मतलब कि अगर आपने डिशवॉशर को वॉश करना है तो इसके अंदर खुद का ये प्रोग्राम मौजूद है कि ये खुद को भी वॉश कर सकता है। और ये प्रोग्राम आपने जो है एक महीने में एक दफ़ा या दो महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जितना आप यूज़ करते हैं इसको। और फर्स्ट प्रोग्राम आपको जो है इको मोड मिल जाता है जिसके अंदर आप जो है नॉर्मल गंदे बर्तन है तो वो इसके अंदर इको मोड के अंदर आप जो है वॉश कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑटो मोड, जिसके अंदर मतलब कि ये खुद ही चेक करता है कि बर्तन कितने गंदे हैं, तो उसके लिहाज से जो है खुद ही डिटर्जेंट लेता है और खुद ही वाटर लेवल और जो है मतलब कि गर्म करने का सिस्टम जो है खुद ही ऑटो ओनली ऑटो मोड पे ये खुद ही सब कुछ करेगा। वन टच में भी जो है P2 आपको जो है ये मोड मिल जाएगा। अगर तो मतलब कि आप तो इस डिश वॉशर के अंदर एट अ टाइम प्लास्टिक के बर्तन और ग्लास के बर्तन जो है एट अ टाइम धो सकते हैं, मेरी पर्सनली बात सुने तो मैंने भी जो है कभी वक्त था कि मैं बर्तन धोता था घर में, वालदा का मतलब कि हाथ बटा देता था। तो इस जो है डिशवॉशर के अंदर ये आपको बेनिफिट होगा कि आपके बर्तन नहीं टूटेंगे, ख़ासतौर पर ग्लास जो है आपके शीशे के या तो जो है आपके कप इसके अंदर नहीं टूटेंगे। और इसके अंदर आपको जो है तीसरा ऑप्शन मिल जाता है एक्वा फ्लेक्स मोड, जिसके अंदर आई थिंक सो के नॉर्मली आपके जो है हल्के से बर्तन गंदे हैं तो आप इसके अंदर जो है एक्वा फ्लेक्स जो है इस मोड के अंदर आप जो है अपने बर्तन साफ़ कर सकते हैं, हल्के से बर्तन जो गंदे हों वो इस मोड के अंदर आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक और मोड मिल जाता है जिसके अंदर आता है स्पेशली ग्लास केयर मोड, जिसके अंदर अगर आपने ग्लास रखे हैं तो बिल्कुल चमचमाते आपके ग्लास निकलेंगे। अब आती है बारी, अगर तो आपके जो बर्तन है काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं मतलब कि उनको खुरचने का दिल करेगा, तो इसके अंदर आपको जो एक मोड मिल जाता है इंटेंसिटिव मतलब कि इंटेंसिटिव मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप बिल्कुल गंदे तरीन बर्तन जो है साफ़ कर सकते हैं और ये उनको धोएगा, जो इसका जो है पावरफुल जो है इसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जिसके थ्रू ये जो है पावरफुल स्प्रे वाटर करेगा, उसके ज़रिए जो है आपके बर्तन जो है बिल्कुल वॉश हो गए और गर्म पानी के साथ जिसके अंदर आपके जो है बिल्कुल बेतहाशा गंदे बर्तन जो है साफ़ हो जाएंगे।
इस मोड के अंदर जो है आपका वाटर टेम्परेचर होगा 70 सेल्सियस वाटर टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी मदद से आपके जो है बहुत मतलब ज़्यादा गंदे बर्तन जो हैं आपके जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल वॉश हो जाएंगे, मतलब पावरफुल वॉश होगा इसके अंदर। अगर तो आपने जो है बर्तन साफ़ किए हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके बर्तन सही तरह साफ़ नहीं हुए, तो आप इसको जो है प्री वॉश कर सकते हैं। और अब बात करेंगे इतने ज़्यादा फंक्शन के साथ और इतनी पावरफुल मोटर्स और इतनी मतलब के अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है इसका बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आता होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये जो डिश वॉशर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मकसद ही होता है कि आपका बिल बहुत कम आए। डॉलन जो है क्लेम करती है कि ये जो डिश वॉशर है वन लोड पर जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 10 रुपये खर्च करेगा। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट और काफ़ी आउट क्लास किस्म की जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस होने वाली है। आई होप कि मेरे पास आए तो मैं दोबारा रिव्यू करूं, लेकिन ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और वारंटी की बात करें तो हमेशा की तरह डॉलन्स हर चीज़ में ज़्यादा वारंटी देती है। रेफ्रिजरेटर की बात हो तो 12 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, वॉशिंग मशीन्स की बात हो तो आपको जो है 10 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, और इसकी भी आपको जो है 10 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है डॉलन्स की तरफ से होम सर्विस। तो ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ इन्वर्टर डॉलन्स का जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ डिश वॉशर का। आई होप कि मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर सकूं कि ये डिश वॉशर परचेज़ कर लें। तो अगर तो हमने परचेज़ किया तो मैं आपको फिज़िकल रिव्यू भी दूंगा, अनबॉक्सिंग भी दूंगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद हासिल होगी कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डिश वॉशर। ले लीजिए, वालदा की या तो बाबा की डांट खाने से जो है बच जाएंगे कि ये बर्तन टूटेगा, ये बर्तन टूट गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।